हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं 10 डेज चैलेंज, जहां मैं 10 दिनों तक लगातार रोज अपने चैनल पे एक नई वीडियो लाता रहूंगा और आपका काम होगा कि आप उन वीडियोस को नियमित रूप से देखते रहिए और उन्हें शेयर भी करते रहिए। इस चैलेंज में मैंने एंडिंग एक्सप्लेन्ड इन लेट नाइट शो और इवन नॉवल स्टोरीज को कवर किया है, जिससे आपको वाइड वेराइटीज की वीडियो मिल सके। तो इस चैलेंज की शुरुआत हम 2015 में रिलीज हुई द विच मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन से करने वाले हैं, जिसे रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट किया था। आईएमडीबी पे द विच की रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 90% फ्रेश विद ओनली 57% ऑडियंस स्कोर, और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 83 आउट ऑफ 100। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर द विच मूवी की कहानी जानेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी 3 इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी बताऊंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों द विच मूवी की कहानी एक परिवार की है जो कि 1630s में इंग्लैंड में रह रहे थे। ये फिल्म शेक्सपियरियन इंग्लिश में है, जिसकी वजह से लोगों को इस फिल्म की इंग्लिश समझने में काफ़ी परेशानी होती है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने 1630s के समय को काफ़ी अच्छे रूप से स्क्रीन पे दिखाया है और यही वजह है कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक प्यूरिटन फैमिली को देखते हैं जिन्हें सोसाइटी से बहिष्कृत किया जा रहा था। अब ऐसा क्यों किया जा रहा था, इसका जवाब तो हमें इस फिल्म में नहीं मिलता है, लेकिन चीजों को बारीकी से देखने पे हम समझ पाते हैं कि पोशियन फैमिली के हेड, जिनका नाम विलियम है, वो एक बहुत ही प्राइड वाले इंसान हैं और वो चर्च के रूल्स को फॉलो करने से मना कर रहे थे क्योंकि उनकी विचारधारा अलग थी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पुरिशंस इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स थे, जो कि 16th और 17th सेंचुरी में चर्च को कैथोलिक प्रैक्टिसेस से प्यूरिफाई करना चाहते थे। विलियम की फैमिली भी एक पुरिशन फैमिली थी, जिसमें उनके अलावा उनकी बीवी कैथरीन और 5 बच्चे थे। इन बच्चों में सबसे बड़ी बेटी का नाम थॉमसिन था, बेटे का नाम कैलिब था, ट्विंस का नाम मर्सी और जॉनस था, और एक न्यू बॉर्न चाइल्ड भी था जिसका नाम सैमुअल था। ये परिवार कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं और हम इन्हें हमेशा गॉड को थैंक यू बोलते हुए या फिर बुरे थॉट्स के लिए माफी मांगते हुए पाते थे। तो एक दिन थॉमसिन न्यू बॉर्न बेबी सैमुअल के साथ पीकाबू खेल रही थी कि अचानक ये बच्चा गायब हो जाता है। विलियम की फैमिली सैमुअल को खोजने के लिए जंगल तक में जाती है, लेकिन इन्हें सैमुअल नहीं मिलता है। इस घटना से परिवार के सभी लोग ऐसा मान लेते हैं कि सैमुअल को एक भेड़िया उठा ले गया होगा। यहां सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स एक नंगी बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसके पास सैमुअल था। इस बूढ़ी औरत के हाथ में एक चाकू थी और अगले ही क्षण हम इस औरत को अपने शरीर पे खून लगाते हुए देखते हैं, विच सजेस्ट्स कि इस बूढ़ी औरत ने सैमुअल को मार डाला है। यहां हम इस बूढ़ी औरत को अजीब तरह से उड़ते हुए भी पाते हैं, एंड दिस वॉज क्वाइट वियर्ड। कमिंग बैक टू विलियम्स फैमिली, हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि इस परिवार का ऐसा मानना था कि सैमुअल नरक में जाएगा क्योंकि उसकी बैप्टाइजेशन नहीं हुई थी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बैप्टाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान के ऊपर पानी छिड़का जाता है या फिर उसे पानी में सिंक किया जाता है, जिसके बाद उसके आत्मा को प्योर माना जाता है। तो ऑब्वियसली सैमुअल की बैप्टाइजेशन इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और उसकी आत्मा को अब तक इम्प्योर माना जा रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स सैमुअल की माँ को काफ़ी रोते हुए देख पाते हैं और वो लगातार अपने बच्चे सैमुअल की स्वर्ग यात्रा के लिए प्रेयर कर रही थी। तो इस घटना के बाद इस परिवार का माहौल बदलने लगता है, जहाँ कैथरीन अपनी बड़ी बेटी थॉमसिन से नफरत करने लगी थी। दूसरी तरफ कैलेब अब प्यूबर्टी हिट कर रहा था और वो थॉमसिन की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा था। वो अपने पिता विलियम के साथ जंगलों में हंट करने जाता है क्योंकि इस परिवार ने जो क्रॉप्स लगाए थे वो सर रही थी। तो हंटिंग के दौरान कैलेब अपने पिता से पूछ
पूछता है कि क्या सैमुअल की अनबैप्टाइज सोल नरक में जाएगी। तो इस बात पे विलियम का कहना था कि कैलेब को ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। बातों बातों में हमें पता चलता है कि विलियम ने अपनी पत्नी की सिल्वर कप को बेच दिया है ताकि उन्हें हंट करने के लिए सप्लाईज मिल सके। अब दोस्तों ये बात कैथरीन को पता नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि कैथरीन जंगलों में जाने के सख्त खिलाफ थी और अगर उसे ये सब पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा नाटक करती। तो उस रात कैथरीन को पता चल जाता है कि उसकी सिल्वर कप गायब है और इस कप को गायब करने का इल्ज़ाम वो थॉमसिन पे डाल रही थी। विलियम बार बार कह रहे थे कि थॉमसिन ने कप चोरी नहीं की है, लेकिन वो ये भी नहीं बताते हैं कि ये कप उन्होंने चुराया था। एनीवेज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम थॉमसिन को रिवर के साइड कपड़ा धोते देखते हैं जब कैलेब वहाँ आता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ ट्विन गर्ल मर्सी आती है और मर्सी का कहना था कि सैमुअल को एक विच उठाकर ले गई है जिसे उसने इनके घर के आसपास उड़ते देखा है। दोस्तों ये ट्विन्स बहुत ही शरारती थे और वो अक्सर थॉमसिन को परेशान करते रहते थे, इसीलिए थॉमसिन ट्विन्स को डराने के लिए बोलती है कि वही जंगल की विच है और उसने डेविल्स बुक को साइन किया है। नॉट ओनली दैट, उसने ही सैमुअल को गायब किया है और अगर ये ट्विन्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो वो इन्हें भी गायब कर देगी। इस बात को सुनकर ये ट्विन्स काफ़ी डर जाते हैं और वो दोनों सच में मानने लगते हैं कि थॉमसिन एक विच है। अगली सीन में हम व्यूअर्स थॉमसिन को एक बकरी की दूध निकालते देखते हैं और यहाँ दूध की जगह खून निकल रहा था। एनीवेज रात होती है और रात को ये बच्चे अपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुनते हैं। विलियम और कैथरीन डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग थॉमसिन को किसी दूसरे फैमिली को सर्व करने के लिए बेच देंगे जिससे उन्हें कुछ पैसा और खाना मिल जाएगा। थॉमसिन एक ब्यूटीफुल वुमेन बन रही थी और कैथरीन किसी तरह थॉमसिन को घर से निकाल देना चाहती थी। इन बातों को सुनकर कैलेब काफ़ी उदास होता है और अगली सुबह वो फॉरेस्ट जाने के लिए तैयार होने लगता है। कैलेब चाहता था कि वो फॉरेस्ट में लगे ट्रैप्स में से कुछ खाने का ले आए ताकि उसके पेरेंट्स थॉमसिन को ना बेचें। अब इससे पहले वो जंगल के लिए निकल पाता, थॉमसिन वहाँ आती है और वो भी कैलेब के साथ जाने का जिद करती है। फाइनली ये दोनों फैमिली हॉर्स और डॉग के साथ जंगलों की तरफ बढ़ते हैं और जंगल में इन्हें एक जंगली खरगोश दिखता है। इस खरगोश को देखकर इनका घोड़ा विचलित होने लगता है और इनका कुत्ता फाउलर इस खरगोश को चेज करता है। कैलेब अपने कुत्ते के पीछे दौड़ता है और इनका घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होकर थॉमसिन को नीचे गिरा देता है जिससे थॉमसिन बेहोश हो जाती है। कैलेब को जंगलों में आगे बढ़ने पे अपना कुत्ता मरा हुआ दिखता है और इस कुत्ते की बॉडी को किसी ने चीर फाड़ दिया था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पे कैलेब को एक झोपड़ी दिखती है और इस झोपड़ी के अंदर से एक खूबसूरत औरत बाहर आती है जो कि कैलेब को सेड्यूस करती है। इस सीन में हम व्यूअर्स इस खूबसूरत औरत की हथेली देख पाते हैं जो कि किसी विच की तरह थी। यहाँ सीन चेंज होती है जहाँ विलियम अपने बच्चे कैलेब और थॉमसिन को ढूंढ रहे थे और इसी दौरान उन्हें थॉमसिन मिल जाती है। कैलेब का अभी कुछ अता पता नहीं था और कैथरीन इस बात के लिए भी थॉमसिन को ही ब्लेम करती है। कैथरीन का कहना था कि पहले थॉमसिन की वजह से सैमुअल गायब हुआ, फिर उसने कब गायब किया और अब उसकी वजह से कैलेब भी गायब हो गया है। इस बात पे विलियम थॉमसिन को डिफेंड करते हैं और उनका कहना था कि कैथरीन का सिल्वर कप उन्होंने बेचा है। नाउ एज एक्सपेक्टेड इस बात पे कैथरीन पागलों की तरह बिहेव करती है और विलियम गॉड से इस सिन के लिए माफी मांगते हैं। तो उस रात काफी बारिश हो रही थी और इस परिवार को अपने घर के बाहर कैलेब दिखता है जो कि नेकेड था और वो एकदम अधमरा सा था। जी हाँ दोस्तों, कैथरीन फौरन ही कैलेब को घर के अंदर ले जाती है और इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि कैलेब विचक्राफ्ट का शिकार हुआ है। कैलेब अपने मुंह के अंदर से खूनी सेब निकालता है और वो एकदम अजीब सा बिहेव कर रहा था। ये परिवार कैलेब को घेर कर प्रेयर रिसाइट करने लगते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ट्विन्स इस प्रेयर को बोल ही नहीं पा रहे थे। कैलेब अजीब तरह से बिहेव करते हुए जीसस को याद करता है और अचानक वो मर चुका था। कैलेब के मरने से एवरीवन वाज इन शॉक और ये ट्विन्स थॉमसिन को विच बोल के चिल्लाना शुरू करते हैं। ट्विन्स जमीन पे लेट जाते हैं और उनकी इस हरकत को देखकर कैथरीन पूरी तरह से मानने लगती है कि थॉमसिन एक विच थी। विलियम भी थॉमसिन को घर के बाहर ले जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो सचमुच में एक विच है। थॉमसिन इनकार करती है लेकिन विलियम फोर्सफुली थॉमसिन से मनवाने की कोशिश करते हैं कि वो एक विच है। इस बात से थॉमसिन एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो अपने पिता पे जोरों से चिल्लाती है। थॉमसिन का कहना था कि उसके पिता ना तो अपने परिवार को खाना दे पाते हैं ना ही उनका ठीक ढंग से ख्याल रख पाते हैं और जब भी घर में कुछ बुरा होता है तो उसका ब्लेम थॉमसिन के सर पे आता है। इसके अलावा थॉमसिन बताती है कि ट्विन्स इनके घर की बकरी ब्लैक फिलिप से बातें करते हैं और विच ये ट्विन्स ही हैं।
ब्लैक फिलिप लूसीफर है और वही ट्विंस को इंस्ट्रक्शंस देके कंट्रोल करता है। इन बातों को सुनकर विलियम अपने आपे से बाहर हो चुके थे और वो थॉमसिन के साथ साथ ट्विंस को भी स्टबल में बंद कर देते हैं। तो उस रात हम व्यूअर्स कैथरीन को काइंड ऑफ हेल्यूसिनेट करते देखते हैं, जहां उसे अपना बेटा कैलेब और सैमुअल दिख रहा था। कैथरीन अपने बच्चे सैमुअल को अपना दूध पिलाती है, जबकि रियल में हम व्यूअर्स एक रेवन को देख पाते हैं एंड दैट रेवन वाज पेकिंग एट हर चेस्ट। यहाँ सीन चेंज होकर स्टबल की तरफ जाती है, जहाँ ये तीनों बच्चे एक बूढ़ी औरत को देख पाते हैं जो कि इनके घर के बकरी का दूध पी रही थी। तो अगले दिन सुबह विलियम स्टबल को चेक करने आते हैं और वो देखते हैं कि उनका स्टबल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ट्विंस मिसिंग थे, बकरियां मर चुकी थी और थॉमसिन वहां बेहोश पड़ी थी जिसके हाथ में खून लगा था। थॉमसिन को होश आता है और वो देखती है कि बकरी ब्लैक फिलिप विलियम पे अटैक करके उन्हें जान से मार डालता है। अब बची थी तो सिर्फ थॉमसिन एंड कैथरीन, और कैथरीन थॉमसिन को ब्लेम करते हुए उस पर हमला कर देती है। कैथरीन थॉमसिन को जान से मारने की कोशिश करती है और सेल्फ डिफेंस में थॉमसिन अपनी माँ को चाकू घोंप कर मार डालती है। इस परिवार में थॉमसिन को छोड़कर सभी लोग मारे जा चुके थे और हम व्यूअर्स थॉमसिन को स्टबल में जाते देखते हैं, जो कि ब्लैक फिलिप से बातें करने के लिए गुहार लगाती है। थॉमसिन का मानना था कि ब्लैक फिलिप डेविल या फिर लूसीफर है, एंड टू आर सरप्राइज ये बकरी ब्लैक फिलिप थॉमसिन से बातें करने लगती है। ब्लैक फिलिप एक इंसान में तब्दील हो जाता है और वो पूछता है कि क्या थॉमसिन को खाने को अच्छी चीजें चाहिए और क्या उसे एक अच्छी जिंदगी चाहिए। थॉमसिन हाँ बोलती है और ब्लैक फिलिप उसे अपने कपड़े उतार कर एक बुक साइन करने बोलता है। थॉमसिन इस किताब में अपना नाम लिखती है और ब्लैक फिलिप को फॉलो करते हुए जंगलों की तरफ जाने लगती है। जंगल के अंदर हम व्यूअर्स ढेर सारी विचेस को देखते हैं जो कि एकदम नेकेड थी, और ये विचेस एक बॉनफायर के आसपास किसी तरह की रिचुअल्स कर रही थी। थॉमसिन इन विचेस को ज्वाइन करती है और ये विचेस हवा में उड़ने लगती है। थॉमसिन भी इनके साथ हवा में उड़ती है और हम व्यूअर्स उसे ऊंचे पेड़ों से भी ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द विच मूवी की कहानी, और इस फिल्म की एंडिंग को देखकर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या थॉमसिन ही विच थी या फिर ये सब किसी और विच ने किया है। ट्विंस कहाँ गायब हो गए, और मूवी के एंडिंग में क्या थॉमसिन भी एक विच में तब्दील हो गई। तो मैं यहाँ आप सभी को इस फिल्म से जुड़ी तीन थ्योरीज बताऊंगा, ताकि आप अपने हिसाब से इस फिल्म के एंडिंग को जस्टिफाई कर सकें। तो दोस्तों, पहली थ्योरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि विचेस बच्चों को मारकर उनके खून से कुछ ऑइंटमेंट बनाती थी और इस ऑइंटमेंट की मदद से वो उड़ भी पाती थी। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स ने ढेर सारी विचेस को उड़ते देखा था, और ये शायद इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मोस्टली इन विचेस ने ट्विंस को मारकर उनके खून से भी ऑइंटमेंट बनाया होगा। इस फिल्म के मुख्य किरदार थॉमसिन है, जो कि एक प्योर और इनोसेंट लड़की है। इस पूरे फिल्म की सेटअप ऐसी लगती है मानो यहाँ की घटनाएं इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में हुई ताकि मासूम थॉमसिन डेविल के बुक को साइन कर दे। अब इस बात पे आप पूछ सकते हैं कि डेविल तो किसी और से भी साइन करवा सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ डेविल को सबसे प्योर और इनोसेंट सोल चाहिए थी। थॉमसिन को छोड़कर हर कोई यहाँ किसी न किसी तरह का सिन कर रहा था, जैसे कि विलियम को काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग थी, ट्विंस तो बहुत ही बदमाश थे, कैथरीन एक अच्छी औरत नहीं थी, और कैलेब लस्टफुल था। सो डेविल के लिए ये काइंड ऑफ एक चैलेंज था, जहां उसे थॉमसिन से अपनी बुक साइन करवा के थॉमसिन को एक विच बनाना था। ये फिल्म बेसिकली शो करती है कि 1600s में लोग किस तरह से औरतों के साथ गलत तरीके से पेश आते थे, और इसका परिणाम हमने रियल लाइफ में सैलम विच ट्रायल की वीडियो में भी देख रखा है। दिस मेक्स अस वंडर कि उस जमाने में हर एक खूबसूरत, सक्सेसफुल या फिर क्रिएटिव औरत को विच करार दिया जाता था, और ये मूवी हमें यही दिखाती है कि ऐसे सिचुएशंस में एक मासूम लड़की किस तरह से गलत राह पे चल पड़ती है। थॉमसिन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां उसके पास डेविल के ऑफर के अलावा कोई और उपाय नहीं था। वो शहर भी वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि लोग उसे वहाँ विच बोलकर मार डालते, इसीलिए उसने डेविल के बुक को साइन कर दिया ताकि एटलीस्ट वो विच बन के अपनी जिंदगी तो जी पाएगी। तो पहली थ्योरी से हम यही समझ पाते हैं कि थॉमसिन एक विच नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे एक विच बनने पे मजबूर कर दिया। नाउ सेकेंड थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके हिसाब से इस फिल्म में कोई विच थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को गौर से देखेंगे तो यू विल नोटिस कि हर एक विच वाली सीन से पहले थॉमसिन को सोते हुए दिखाया गया है, या फिर विच वाली सीन के बाद थॉमसिन को नींद से उठते हुए
में दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि थॉमसिन ये सब सपने में देख रही थी और रियलिटी में कोई विच थी ही नहीं। अब आप ये पूछेंगे कि अगर ये थ्योरी सच है तो आखिर सैमुअल कहाँ गायब हुआ और ये पूरी परिवार कैसे मारी गई। तो मैं आपको बता दूं कि सैमुअल को किसी जानवर ने मार डाला होगा और ये पूरी परिवार भूख की वजह से पागल होकर मारे गए, लेकिन थॉमसिन अपने सपने में इन चीज़ों को विच वाले एंगल से पिक्चराइज कर रही थी। इस थियोरी को सपोर्ट करती है मूवी की एक सीन जहां हम व्यूअर्स कैथरीन के सिल्वर कप को बैकग्राउंड में देख पाते हैं, जबकि इस सिल्वर कप को तो विलियम ने बेच दिया था। दिस सिग्निफाइज कि थॉमसिन ने ये कप बेचने वाली बात भी अपने सपने में ही देखी होगी और जो कोई भी विच वाली इंसिडेंट इस मूवी में हुई है वो सब थॉमसिन का एक सपना था। नाउ आई नो दिस थियोरी इज अ लिटिल फार फेस्ट और मैं खुद भी इस थियोरी में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस थियोरी को सही मानते हैं। नाउ द लास्ट थ्योरी एंड इट सेज कि थॉमसिन हमेशा से ही एक विच थी जिसने एक एक करके अपने परिवार वालों को मरवा दिया है। मैं इस थ्योरी में भी पर्सनली बिलीव नहीं करता क्योंकि मूवी के लास्ट सीन में हमने क्लियरली थॉमसिन को विच बनते हुए देखा है। इसका मतलब ये कि थॉमसिन पहले तो विच नहीं ही थी, लेकिन कुछ लोग इस थ्योरी को सही मानते हैं। तो दोस्तों ये थी द विच फिल्म से जुड़ी सारी थ्योरीज और मुझे ये फिल्म ठीक ठाक लगी। अब हालांकि फिल्म काफ़ी स्लो है, इसकी इंग्लिश एकदम टफ है, लेकिन इस फिल्म में 1600s के टाइम को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। यही वजह है कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को अच्छा बोला है, लेकिन व्यूअर्स इस फिल्म को ओके ही मानते हैं। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे वो सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे अपने क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं जिसकी आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पेटीएम पे डोनेशंस दे सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।